हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जोश जहान में। मैं हूं आकाश तिवारी और आज हम बात करेंगे कि मन की गंदगी को कैसे साफ करें। मन में इतनी सारी गंदगी भरी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे दिमाग में इतनी फालतू थॉट आती है जितना हम सोच नहीं सकते। स्टडीज कहती है कि 60,000 से ज़्यादा थॉट एक नॉर्मल इंसान को डेली आते हैं। हम ऐसी ऐसी चीज़ें सोचते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे करियर से, हमारी खुशी से उसका कोई तालमेल नहीं होता, फिर भी वो थॉट हमारे अंदर आते हैं। इस तरह की गंदगियों को अपने दिमाग से कैसे निकालें, ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मन की गंदगी होती क्या है। देखिए, मन की गंदगी बेसिकली तीन तरीके की होती है। पहली, पास्ट की गंदगी, जो आपके अंदर भरी हुई है अभी तक। जैसे मान लो आप बचपन में थे, कहीं जाते थे, किसी परिवार में गए, वहाँ झगड़े हो रहे हैं। अपने परिवार में हो, वहाँ भी झगड़े हो रहे हैं। बगल वाले परिवार में गए, वहाँ भी कुछ न कुछ तांडव मचा हुआ है। क्यों? सिर्फ जरूरतों को लेकर, पैसों को लेकर। तो हमारे दिमाग ने क्या मान लिया कि पैसे की वजह से ही जिंदगी में झंझट होती है, झगड़े होते हैं। इसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो संन्यास ले लेते हैं, परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, एक सिर्फ नॉर्मल से थॉट के लिए। हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ, कोई घटना घटी, उसे अभी तक हम सच मान बैठे हुए हैं। ये एक पास्ट की थॉट हो गई। दूसरी मन की गंदगी है प्रेजेंट की, जो आपको बार बार बताया जाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ये कर सकते हो, तुम कमजोर हो, अभी तक जिंदगी में कुछ नहीं किया, यानी कि तुम्हारा होना बेकार है। ऐसे ऐसे गुरुज, ऐसे ऐसे स्पीकर आपको बताते हैं कि आपको जिंदगी में क्या करने चाहिए, और अगर आपने अभी तक वो काम नहीं किया है, यानी कि आप व्यर्थ हो, निरर्थक हो, आपका जिंदगी में होना ना होना बेकार है, यानी कि आपकी जिंदगी को पूरी की पूरी तरह से बेकार बताया जाता है। ये एक गंदगी ही है जो आपके दिमाग में भरा जाता है, जिससे आप कमजोर इंसान बनते हो। इस चीज को सोचे हो कभी कि जो आप सुनते हो किसी को, वो बार बार वो अगला इंसान आपको कह रहा है कि तुम बेकार हो, तुम अभी तक घर पर बैठे हो, तुमने अभी तक कुछ नहीं अचीव किया जिंदगी में, तुम्हारा जिंदगी बेकार है। क्या वो इंसान आपके भले के लिए कह रहा है? कह तो रहा है आपके भले के लिए, लेकिन आपका दिमाग इस चीज को नहीं समझता, वो आपको कमजोर इंसान मान बैठता है। कुछ परसेंट लोग इस चीज को सीरियस लेते हैं और अपने आप को बदलते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसान इसको लेकर दुखी ही होते हैं। मैंने तो अभी तक जिंदगी में कुछ नहीं किया, मेरी उम्र तो इतनी बीत गई, मैंने समय इतना गंवा दिया, अब क्या होगा मेरा। ये सारी की सारी मन की गंदगी है जो आपको बाहर से भरा जा रहा है, डेली भरा जा रहा है। सीरियल्स देखते हो, मूवीज देखते हो, उसमें ऐसी ऐसी सीन आपको दिखाई जाती है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी आप मजे से देखते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको मजा चाहिए, आपके दिमाग को सिर्फ मजा चाहिए, और इस मजे के लिए चाहे आप बर्बाद हो जाओ या बेकार हो जाओ, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं तीसरे थॉट की, जो फ्यूचर को लेकर आपका दिमाग सबसे ज्यादा बेचैन रहता है। एक बात बताओ, आपको इतना वक्त मिल कैसे जाता है कि आप फालतू की चीजें बार बार सोचते हो? किसी महान इंसान ने कहा है कि जिंदगी में चिंता नहीं, चिंतन करो। लेकिन चिंतन करने के लिए आपके पास वक्त ही कहा है? आप तो इन्हीं सब चीजों में उलझे हुए हो कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मैंने ऐसा किया तो इसका क्या फल होगा, मैं अभी कर रहा हूं उससे क्या मालूम क्या होगा मेरी जिंदगी में, मैंने ये एग्जाम दिया था उसमें फेल हो गया तो क्या हुआ, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं क्या मेरी जिंदगी बेकार हो रही है। इंटरनेट पर एक कहावत सबसे ज्यादा फेमस है कि बड़ा नौकर बनने से छोटा मालिक बनना बेहतर है। भाई, काम सबके अलग अलग हैं। कोई उस काम से अगर खुश है तो उस काम में आपको क्या दिक्कत है? किसी और को ऐसा इंफॉर्मेशन मत दो, या फिर आप भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन कंज्यूम ना करें जिससे आपका मेंटल स्टेट गड़बड़ हो रहा है, आप खुद कमजोर हो रहे हो और फ्यूचर में ऐसी ऐसी चीजें सोच रहे हो। जो चीजें आप देखते हो, जो चीजें आप सुनते हो, जो आप एक्ट करते हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन बाहर से मिलती है, उसी के बेस पर आपका फ्यूचर बनता है, यानी कि फ्यूचर को लेकर आप सोचते हो। आपने कोई काम शुरू किया, उसके बाद आप सोचने लगते हो कि उसका रिजल्ट कैसा होगा, उसके प्रोसेस से आपका ध्यान बिल्कुल हट जाता है। ये मन की एक गंदगी ही हुई ना, यानी कि तीन तरह की गंदगी हमने जाना, एक तो पास्ट में जो आपके साथ हुआ है, और एक प्रेजेंट में जो आपके साथ हो रहा है, और एक फ्यूचर में जो आप सोच रहे हो। अब इस तीनों गंदगी को कैसे साफ करें, इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि अपने अंदर एक क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन फीड करो। ढूंढो, दुनिया इतनी बड़ी है, इंफॉर्मेशन लेना बहुत आसान हो गया है, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आप क्यों नहीं लेते जो आपके दिमागी स्तर को बढ़ाता है, आपके सोचने की क्षमता को विकसित करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि IQ लेवल नहीं बढ़ाया जा सकता,
लेकिन मैं कहता हूँ कि आईक्यू लेवल भी बढ़ाया जा सकता है प्रैक्टिस से, इन्फॉर्मेशन लेकर। किसी फिलोसोफर ने, चाहे वो आइंस्टीन हो या फिर सुकरात हो या आचार्य शंकर हो, उन लोगों ने चीज़ों को कैसे समझा? पहले पुस्तकों को पढ़ा, ज्ञान को हासिल किया और उस ज्ञान के बेस पर वो अपनी सोच को डेवलप करके सही और गलत में फर्क कर पाए। इसी को तो फिलोसफी कहते हैं ना, किसी चीज़ को एज इट इज न मान लेना, उसमें संशोधन करना और तब उसे एक्सेप्ट करना, यही तो फिलोसफी है ना। तो हमारी और आपकी थॉट इस तरह की क्यों नहीं होती? हमारी और आपकी थॉट इस तरह इसलिए नहीं होती क्योंकि हम सही चीज़ों को हासिल करना नहीं चाहते, हमें सिर्फ मजे चाहिए। और अगर सिर्फ आपको मजे चाहिए तो मेरी एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जिंदगी भर मजे करते रह जाओगे, जिंदगी में रियल वाला मजा कभी कर नहीं पाओगे। क्योंकि मन शांत होगा ही नहीं तो मजे क्या करोगे? मन शांत करने के लिए अगर इस पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज करूं तो वो चीज़ सीखो, वो चीज़ सुनो, वो चीज़ देखो जो आपकी जिंदगी के लिए सही हो, आपके लिए सही हो, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही हो। देखो आपकी जिंदगी कितनी शानदार होती है। इतनी प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।